हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है सोनिया की दुनिया में। आज है रामनवमी और आज मॉर्निंग में अभी ब्रेकफास्ट बन रही है। मम्मी नहा धो के पूजा कर चुकी है रामनवमी की और मैं अभी नहाई नहीं हूँ। मैं सोची कि पहले ब्रेकफास्ट बना लूँ और इनके बाद फिर मैं नहा धो के रेडी होंगी और इनके बाद पूजा करूँगी। तो यहाँ पर मैं अभी ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, इनके बाद फिर लंच बनाऊँगी क्योंकि आज रामनवमी है और यहाँ पर जो है ना जुलूस निकलने वाली है। तो आप लोग रामनवमी का रथ यात्रा यहाँ पे निकलने वाली है। बहुत ही भव्य यात्रा निकलने वाली है क्योंकि पिछले 2 साल से नहीं निकली थी। कोविड की वजह से कोई भी ऐसा काम नहीं हो पाया था जिनकी वजह से जो है ना इतने दिन के बाद निकला है। तो लोगों में काफ़ी उमंग है, लोग बहुत एक्साइटेड है। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। तो हम लोगों को भी रथ यात्रा देखने के लिए जाना है, मैं भी जाऊँगी और इसलिए मैं सोच रही हूँ कि फटाफट मैं ब्रेकफास्ट के साथ साथ लंच भी बना लूं ताकि 1:30 बजे से रथ यात्रा है तो फिर वहां से आके कोई परेशानी नहीं होगी और सारा काम इजली हो जाएगा। तो मैं यहां पे कुकर में सब्ज़ी बना रही हूं, पहले सब्ज़ी बना लूंगी, इनके बाद फिर मैं पराठा भी बनाऊंगी और इन सबको ब्रेकफास्ट करवाने के बाद फिर नहा धो लूँ। मॉर्निंग से मेरी बेटी भी एक्साइटेड है रामनवमी का रथ यात्रा देखने के लिए। वो बोलती है कि मम्मा ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, क्योंकि वो कभी भी रथ यात्रा ऑब्वियसली वो छोटी है और जब थोड़ी बड़ी हुई तो फिर इसके बाद कोविड की वजह से हुआ ही नहीं, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि इसमें क्या होता है। बोलती है मम्मा जल्दी जल्दी खाना रेडी कर लो, फिर चलो जल्दी नहीं छूट नहीं जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं टाइम पर रेडी हो जाऊंगी और इसके बाद बाबू को थोड़ा सा कन्या पूजन के लिए भी ले जाना है। बगल में भाभी हैं तो भाभी के पास कन्या पूजन के लिए ले जाना है, इसलिए मैं इसलिए भी थोड़ा जल्दी कर रही हूँ क्योंकि ये सब काम निपटाने के बाद बाबू अकेले जाएगी नहीं, क्योंकि भाभी बोली थी जगह, लेकिन बाबू किसी और के साथ नहीं जाएगी, वो मेरे साथ ही जाएगी। तो मुझे उनको वहाँ पर भी लेके जाना है। यहाँ देखिए ये रोते हुए आई मेरे पास कि मम्मा मुझे अभी नहीं नहाना है, मैं बाद में नहाऊंगी। तो फिर मैंने कहा बाबू अगर यह रथ यात्रा देखना है तो फिर आपको नहाना पड़ेगा। तो बोली कि नहीं मम्मा, और ये बस गोदी में आके आ गई और बोली कि मम्मा मुझे नहीं जाना है, मैं गोदी में ही रहूँगी। लेकिन मैं उन्हें समझा गाइस, यहाँ पर मेरे घर के पास में ही एक हनुमान मंदिर है, वहीं से ये यात्रा निकली हुई है और हम लोग छत पे से देख रहे हैं और ये सभी यात्राएं जाके ठाकुरबाड़ी में मिलेंगी और वहाँ से एकत्रित होकर सब एक साथ निकलेंगी। गाइस जहाँ से रथ यात्रा निकलनी थी हम लोग वहाँ पे पहुँच गए हैं, किसी का छत था, हम लोग उस छत पे चले गए ताकि अच्छे से दिखे। और मेरी बेटी भी यहाँ देखी, कितनी भीड़ है और सब लोग जो है ना यहाँ पर देखने के लिए आए। हम लोग छत पे हैं ताकि नीचे आराम से और इजली दिख सके। गाइस ये राम जी की यात्रा, देखिए मैं राम जी की भव्य प्रतिमा है और इसके बाद इसी को सब लोग खींचते हुए लेके जा रहे हैं और मैं थोड़ा पीछे थी जिसकी वजह से बहुत अच्छे से शूट तो नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी कोशिश की है कि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से अच्छा दिखा सकूँ। देखिए यहाँ पर कितनी भीड़ है और लोग कितने इन्जॉय कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे और भी आना शुरू, कुछ लोग आगे निकल गए और कुछ लोग पीछे ही हैं जो आना शुरू कर दिए हैं। Yeah.
गाइस यहाँ पर हम लोग छत पे थे और वहीं से सारा चीज़ें देख रहे थे। छत पे बहुत भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे और वहाँ से शूट करने की कोशिश की, बहुत सारे जान पहचान के भी लोग मिले ऑब्वियसली। और इनके बाद फिर ये ख़त्म हो गई थी और इसके सब लोग फिर धीरे धीरे हम लोग नीचे जा रहे थे। एक राउंड और आना था लेकिन उतना हम लोग वेट नहीं कर पाए और हम लोग घर वापस आ गए। हाँ देखिए, ये रथयात्रा अब समाप्त हो गई थी और हमारे एरिया के जो मंदिर थे और जहाँ से निकली थी ये रथ यात्रा, वो वापस वहाँ पे जा रहे थे। टाइम पर ही यात्रा ख़त्म हो चुकी थी। हम लोग अपने घर के बालकनी से देख रहे थे, ये लोग जब गए थे तब भी देखे थे और वापस अब घर जा रहे तो भी हम लोग देख रहे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।